देश की राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले दिग्गज नेता और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के जन्मदिन पर उनके समर्थकों ने संपूर्ण देश में तरह तरह के कार्यक्रम रखकर उनका जन्मदिन मनाया। इसी क्रम में मुंबई एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी व नामदार विचार मंच फाउंडेशन के मुंबई अध्यक्ष हाजी मुकलेश शेख और उनकी पूरी टीम ने सायन कुलीवाड़ा एंटॉप हिल के रेलवे कॉलोनी में शरद पवार का जन्मदिन मनाया। इस दौरान हाजी मुकलेश शेख के साथ साथ नामदार विचार मंच फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष इस्लाम खान, सैयद हसन, रियासत खान, सायरा शेख, कुसुम सिस्टर, हसीना शेख, जावेद अख्तर, फहीम भाई, हाजी अब्दुल हई, नीलेश विश्वकर्मा, विष्णु मिश्रा, सैयद रमजान, सगीर बकाई, सैयद अली शेख, डोसू मियाँ, जमाल शेख, आसिफ शेख, श्याम कदम, बबन थोरात, रोशन अली और जफर हसन सिद्दीकी सहित ढेरों कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामना देने के साथ साथ लंबी आयु की कामना की। पहले सबसे पहले तो उनको मैं मेरे पूरी टीम की तरफ से मैं जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ कि इसी तरह उनके जीवन में हमेशा उजाला, हमेशा मुस्कुराते रहे, लोगों के बीच जिस तरह मुस्कुरा के महाराष्ट्र सरकार में, केंद्र की सरकार में उन्होंने काम किया है, पूरे देश में उनका नाम हुआ है और उनकी बेटी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, सुप्रियता सुले। शरद पवार साहब एक महापुरुष है इस तरह, और एक बहुत ही लोगों को ज्ञान देने वाला, जिसको मतलब एक रास्ता दिखाने वाला, राह की तरफ, मतलब एक कामयाबी की तरफ अगर रास्ता कोई जाता है तो शरद पवार साहब की तरफ जाता है, क्योंकि शरद पवार से कामयाबी शुरू हुआ है। और उनसे तो मोदी जी ने भी सलाह लिया है, उन्होंने कहा है राष्ट्रीय चैनल में, तो मैं आज नामदार विचार मंच की तरफ से उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, हमारे पूरे जिला और तालुका के अध्यक्ष की तरफ से, कि इसी तरह शरद पवार साहब का जो है तबीयत अच्छा रहे, लोगों के बीच हमेशा पहुँचे और लोगों की मदद करें। आदरणीय हमारे अजीत दादा पवार साहब, जयंत पाटिल साहब और नरेंद्र राणे साहब है, राकी ताई यादव जी है, उनके टीम के सभी लोग, भुजबल साहब, सारे लोग काम कर रहे हैं अच्छा, और हमारे लीडर नवाब मलिक साहब, सना मलिक जी, उनकी बेटी भी बहुत अच्छा काम कर रही अनुशक्ति नगर में, और सारे लोगों को संभाल के रखी है, एनसीपी का नाम जो है वहाँ बुलंदी से आगे कर रहा है, कार्यकर्ताओं को हजारों के हिसाब से जोड़ रहे हैं, कैप्टन मलिक साहब अपना काम कर रहे हैं, सईदा डॉक्टर मैडम जो नवाब मलिक की बहन है, बहुत ही अच्छा गरीबों के हित में एनसीपी पार्टी की तरफ से नगर सेवक होने के नाते बहुत बढ़िया काम कर रही है। हम साइन कोलीवाड़े में बैठे हैं, इस साइन कोलीवाड़े का मैं मुंबई का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस साइन कोलीवाड़े का निरीक्षक भी हूँ बेसिक का, और मेरे साथ बैठे हुए सारे दोस्त, सेवा दल के जिला अध्यक्ष सैयद हसन साहब और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष इस्लाम खान साहब, मोहम्मद इस्लाम जी, तमाम तालुका अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है, आप सब सारे तालुका अध्यक्ष यहाँ दूर दूर से आए हैं, बर्थडे ये नवाब मलिक साहब की तरफ से हम शरद पवार साहब को वेट कर रहे हैं, उनको हम गिफ्ट दे रहे हैं कि हमारे पार्टी के अलावा भी कुछ लोग हमारे संस्था से जुड़ रहे हैं हजारों के हिसाब से, मुंबई शहर में 36 तालुका 6 जिला हमारे साथ बिना शर्त हमारे लीडर नवाब मलिक साहब को मानकर काम कर रहे हैं। हमें खुशी है कि हम आगे चल के भी राष्ट्रवादी पार्टी को हम मजबूत करेंगे और आगे कॉरपोरेशन में ज्यादा से ज्यादा सीट लाएंगे। आज इसी बात के साथ मैं अपना दो शब्द खत्म करता हूँ कि शरद पवार साहब हमेशा मुस्कुराते रहे और गरीबों के लिए अच्छा काम करें, हम सबकी उम्र भी उनको लगे और हमारे बीच नवाब मलिक साहब जल्दी बाहर आए। हम सब दुआ करते हैं दिल से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, समझो आपकी अपनी शान को, आपस में मत बांटो, आपस में मत बांटो हिंदुस्तान को। तो ये हिंदुस्तान को बांटने का काम जो बीजेपी पार्टी के लोग कर रहे हैं उसका निषेध हम एक एक काट के कर रहे हैं। ये जो तानाशाही सरकार यहाँ पर बने हैं महाराष्ट्र के अंदर, मिंदे ग्रुप के, हमारी आघाड़ी की, जो हमारे महाविकास आघाड़ी की, जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और सेना उद्धव साहब की,
उनके साथ हम कांधे से कांधा मिलाकर हमारे जो विचार मंच के कार्यकर्ता है मुंबई शहर का सब काम करेंगे, और हमारे शरद पवार साहब का आदेश और नवाब भाई के आदेश का नियम का पालन करेंगे। इसी तरह हम आगे भी बहुत अच्छा एक मैसेज जो है एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले महानगर पालिका के अंदर। आदरणीय पवार साहब के बारे में हम जैसे छोटा कार्यकर्ता क्या कह सकते हैं, लेकिन जिन्होंने महाराष्ट्र को यशवंतराव चौहान जी के बाद में महाराष्ट्र को इस तरीके से सजाया, इस तरीके से घड़ा, आज शरद पवार की बिना हम महाराष्ट्र को सोच नहीं सकते। और केंद्र से लेके राज्य तक पूरा देश में पूरा दुनिया में उन्होंने कैसे छवि बनाया, इनकी जैसा नेता पवार साहब का जैसा नेता अगर देश में नहीं रहेगा तो मैं ये समझता हूँ एक एज ए छोटा सा कार्यकर्ता कि संविधान भी शायद जिंदा रहे ना लोकतंत्र जिंदा रहे। इनकी जैसा नेता जिंदा रहना, इनकी जैसा नेता कि आने वाला और भी दस वर्ष हम लोग जन्मदिन बना पाए, इसी मनोकामना से हमारे आदरणीय मुकेश भाई नवाब मलिक विचार मंच की मुंबई अध्यक्ष और जितने भी सारे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता और तालुका अध्यक्ष जिला अध्यक्ष इसी मनोकामना के साथ में कि हमारे पवार साहब की और ज़्यादा उम्र बढ़े। मैं यही कहूँगा कि आज हमारे शरद पवार साहब का जो है जन्मदिन है और हम लोग राष्ट्रवादी के सभी कार्यकर्ता और नामदार विचार मंच के सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और केक काट के पवार साहब का जो है जन्मदिन मनाए यहाँ पे, और दुआ करेंगे कि और भी कईयों साल तक हम लोग ऐसे ही साहब का बर्थडे जो है मनाते रहें। हमारी पार्टी के तरफ से, राष्ट्रवादी पार्टी और नामदार विचार मंच पार्टी के तरफ से हम लोग सब इकट्ठा हुए और हमारे मुकेश भाई के अगुवाई में सारा ये प्रोग्राम हुआ। बस मैं इतना ही कहूँगा, जय हिंद जय भारत। आज पवार साहब का बर्थडे है, आज उनको 82 साल हो गए, लेकिन उनका जो जज्बा है ना वो ऐसा लगता है कि 16 साल का है, और हम लोग पवार साहब के लिए दुआ करेंगे। मैं शेख रोशन अली, धारावी तालुका प्रेसिडेंट, नवाब मलिक विचार मंच के और राष्ट्रवादी, इन दोनों के परचम के तले माननीय श्री शरद चंद्र पवार जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको और लंबी आयु दे और आगे भी हमें उनके साथ और नवाब मलिक विचार मंच के संस्था के साथ और नवाब भाई के साथ काम करने का और मुकेश भाई की छत्रोछाया में काम करने का मौका मिले, बस यही मैं शुभकामनाएं। आज शरद पवार साहब का बैसे ख़त्म हुआ, उसका जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ उसका श्रेय नवाब मलिक विचार मंच के अगुवाई में जाता है और अच्छा प्रोग्राम हुआ। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, उसके बाद मुकेश भाई ने प्रोग्राम बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है और इतने लोग को जोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। जिस तरह से मुकेश भाई ने दिल और जान दोनों लगाकर नवाब मलिक विचार मंच को जोड़ने का काम किया है और सबको बुलाकर यहाँ पर जो शरद पवार साहब का बर्थडे का प्रोग्राम किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और नवाब मलिक विचार मंच में मुकेश शेख जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं दिल और जान से, इनके लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है आज जो देश के आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, जो भारतीय राजनीति के जनक माने जाते हैं, भारतीय किसानों के संरक्षक, पूरे देश को पता है जब जब देश में दुष्काल की स्थिति हुई है, जैसे गुजरात में भूकंप की स्थिति हुई थी, जो राहत पहुंचाने का काम आदरणीय शरद पवार साहब ने किया वो देश में जग जाहिर है। और देश के हमारे महाराष्ट्र के 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं साहब, देश के केंद्रीय राजनीति में 4 बार केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, और उनसे ज़्यादा अनुभव 55 से 60 साल का उनका राजनीति का अनुभव ये पूरे देश को एक सीख देने का काम मिलता है। और ये जो उनका प्रोग्राम आज जो जन्मदिन का मनाया हमारे बड़े भाई हाजी मुकेश भाई ने, उनको अभी मैं हर दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं फहीम खान, माहिम तालुका प्रेसिडेंट,
मैं आज शरद पवार साहब के बर्थडे में आया हूँ। हाजी मुकलेश साहब ने हमें बुलाया था, बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया, यहाँ बहुत खुशी हुई और हम चाहते हैं कि हर साल उनका बर्थडे बनाए हम पवार साहब का। जय हिंद जय महाराष्ट्र। आज नामदार नवाब मलिक विचार मंच के मुंबई अध्यक्ष हाजी मुकलेश जी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी जी जनरल सेक्रेटरी आणि तालुका निरीक्षक यांच्या संयुक्त विद्यमानाने सन्माननीय शरदचंद्रजी पवारसाहेब यांचाच वाढदिवस इथे साजरा होत आहे। आणि मी आई जगदंबाच्या चरणी ही प्रार्थना करेल की आज साहेबांचा जो वाढदिवस आहे 82वा वाढदिवस आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आम्ही तिथे साजरा केला आणि त्या कार्यक्रमामध्ये मुकलेश भाईसोबत आदरणीय आजीदादा पवार, जयंत पाटील साहेब, छगन भुजबळ, अनेक सुप्रियाताई, अनेक मान्यवर उपस्थित होते। त्या कार्यक्रमाला आम्ही पण उपस्थित होतो। आई जगदंबेच्या चरणी आम्ही हीच प्रार्थना करू, आदरणीय पवार साहेबांना उदंड आयुष्य लाभो। आणि ज्या भारतीय राजकारणामध्ये पवार साहेबांना जे चाणक्य मानलं जातं भारतीय राजकारणामध्ये, तर आत्ता खरं पवार साहेबांना काम करण्याची गरज आहे असं मला वाटतं। कारण जे आमचं भारताचं पूर्ण संविधान हे धोक्यात आलेलं आहे आणि ह्या गोष्टीसाठी आज पवार साहेबांना काम, म्हणजे पवार साहेबांना उदंड आयुष्य लाभ ही आई जगदंबेची प्रार्थना। आणि आम्ही नामदार विचार मंचतर्फे आणि मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे आज पवार साहेबांना वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा देतो। जय हिंद जय महाराष्ट्र जय राष्ट्रवादी। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।